I am the world champion. क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप कहीं लॉक लगाते हो तो वो लॉक सिर्फ किसी पर्टिकुलर चाबी से ही क्यों खुलता है, मतलब किसी और चाबी से क्यों नहीं? आखिर ऐसा क्या होता है उसके अंदर? आज इसी के बारे में जानेंगे। सो आई एम द वर्कशॉप गाय और मैं अभी अभी एक डोर लॉक का अंतिम संस्कार करके आया हूँ और उनमें से कुछ सवाल जैसे कि व्हाट्स इनसाइड अ डोर लॉक, उसमें कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं और वो किस तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सो लेट्स फाइंड दीज आंसर्स। तो ये है एक डोर लॉक या राउंड शटर लॉक, जो भी आप इसे कहें। इसे ज़्यादातर दुकानों की शटर पर देखा जा सकता है। इसमें मेन बॉडी, शैकल, लॉकिंग लैच, लीवर मैकेनिज्म और कुछ छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो किसी लॉक को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। शैकल को हमने ज़्यादातर हिलते हुए देखा है और इसे लॉक को अंदर से देखने पर सबसे पहले नोटिस किया जा सकता है। ये मेन बॉडी को एज अ गाइड वे यूज करता है उसके अंदर रोटेट करने के लिए। मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल फीचर्स जैसे कि ये स्लॉट वगैरह सब इसी पर बनाए जाते हैं ताकि वक्त आने पर इसे हिलाया या रोका जा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, लॉक के पूरा खुलने के बाद शैकल पे बना ये छोटा सा बम्प मेन बॉडी से अटक कर शैकल को वही रोक देता है और अब ये इससे आगे नहीं जा सकती। सेकेंडली, इस डिस्क को नॉन की रिटेनिंग डिस्क कहा जाता है। अब ये क्यों, इसे याद रखना, इस पे मैं 2 मिनट पे वापस आऊंगा। तो ये डिस्क मेन बॉडी पर बने इस प्लेट के अंदर फिक्स होती है और तीसरा पार्ट जो कि कीवे है उसके अराउंड घूमती है। जब भी आप कोई चाबी अंदर डाल के घुमाते हो तो वो फ्री होती है यहाँ तक घूमने के लिए, लेकिन इससे आगे जाने के लिए उसे डिस्क को भी घुमाना पड़ता है। डिस्क पर बनी ये स्ट्राइप शैकल पर बने इस स्लॉट के अंदर फिक्स होती है और अब क्योंकि डिस्क घूम ही रही है तो क्यों ना शैकल को भी घुमाया जाए। बस ऐसे ही चाबी के रोटेशन को कन्वर्ट किया जाता है शैकल के रोटेशन में। अब होता क्या है, इस स्ट्राइप के कारण डिस्क भी पूरी तरह से घूम ही नहीं पाती, मतलब बस यहाँ से यहाँ तक ही जा पाती, जिसका पूरा असर चाबी पर होता है। अब ध्यान से देखना, ये पूरी असेंबली एक केस के अंदर बंद होती है और जब भी आप कोई चाबी अंदर डाल के घुमाते हो तो क्योंकि डिस्क इससे आगे नहीं जा सकती तो ना ही चाबी जा सकती है और एक तरह से वही फंस जाती है। और अब आपकी चाबी तब तक बाहर नहीं आ सकती जब तक आप फिर से लॉक नहीं कर लेते, और यही कारण है कि इस डिस्क को नॉन की रिटेनिंग डिस्क कहा जाता है। इसका मतलब जब तक लॉक पूरी तरह से लॉक नहीं हो जाता तब तक बसंती नहीं नाचेगी, चाबी नहीं निकलेगी, जो कि एक अच्छी बात है सिक्योरिटी के मामले में। और अब जाकर वो सवाल आता है जिसका शायद हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि आखिर ये लॉक किसी गलत या सही चाबी के बीच तुलना कैसे करता है या उन्हें कंपेयर कैसे करता है। तो ये काम इस लीवर मैकेनिज्म का है। अब मैंने बहुत रिसर्च की लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं मिला मुझे, जो भी मिला बस यही है, लीवर मैकेनिज्म। वेरी सैड। एनीवे, अब पहले मैंने आपको ये तो बताया कि लॉक जब ओपन होता है तब साइकिल कैसे लॉक होती है, लेकिन जब लॉक क्लोज पोजिशन में होता है तब हमें लॉकिंग लैच की जरूरत होती है साइकिल को लॉक करने के लिए। एक्चुअली इस प्लेट पर 4 कॉलम बने होते हैं और उनमें से एक पर लॉकिंग लैच लटका कर शैकल पर बने इस स्लॉट में फंसाई जाती है। लीवर मैकेनिज्म का हर एक लीवर इस कॉलम के सहारे रोटेट कर सकता है, लेकिन इस स्प्रिंग के जुड़े होने के कारण वो हमेशा नीचे की तरफ फोर्स लगाती है और इसी फोर्स को बाद में लॉकिंग लैच यूज करता है शैकल में फंसने के लिए। और अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो शैकल न तो इस तरफ घूम सकता है और ना ही इस, या फिर यू कहो कि अगर शैकल को घूमना है तो लॉकिंग लैच को उसकी जगह से हटना पड़ेगा। और हाँ, यही लीवर मैकेनिज्म का काम है। इस मैकेनिज्म के सारे लीवर एक जैसे ही होते हैं एक्सेप्ट उन पर बना यह स्लॉट। आप देख ही सकते हैं कि सारे लीवर तो मैच हो रहे हैं पर यह स्लॉट नहीं। अब अगर आप कोई गलत या नकली चाबी अंदर डाल के घुमाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाबी अंदर ही फंस जाएगी। सिर्फ सही या असली चाबी पर ही वो खास पैटर्न बना होता है जो सारे लीवर को एक स्पेसिफिक अमाउंट में उठाकर स्लॉट को लाइन अप कर सके। और अब जब स्लॉट बन ही गया है तो लॉकिंग लैच भी उसके अंदर गिर जाती है और साइकिल आगे घूमने के लिए तैयार है। कुछ समझ में नहीं आया, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। सही चाबी अंदर डालो, उसे घुमाओ, इससे सारे लीवर ऊपर उठेंगे, एक स्लॉट तैयार होगा जिसमें लॉकिंग लैच गिरेगी और शैकल को फ्री करेगी। वहीं से चाबी डिस्क को घुमाएगी, डिस्क शैकल को घुमाएगी और लॉक को अनलॉक करेगी, और फिर ये छोटा सा बम शैकल को इससे आगे जाने से रोकेगा। फिर ये सब एक केस के अंदर बंद होता है जहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रांडिंग करी जाती है एंड दैट्स इट। ये था मेरा ब्रेकडाउन राउंड शटर लॉक का या डोर लॉक का, जिस भी नाम से आप इसे जानते हो। अगली वीडियो में क्या देखना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताना और हो सके तो यार सब्सक्राइब कर देना प्लीज, फ्री होता है वो। बाय।